नमस्कार एचपी न्यूज 24 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जहां एक ओर इतनी गंभीर हालत चल रहे हैं, पूरे देश कोरोना के जाल में जकड़ा हुआ है, ऐसे समय में दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वारदातों को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की बोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। नाबालिग को बहला फुसला कर युवक भगा ले गया, फिर दुष्कर्म को अंजाम दिया, लेकिन ऐसे में आरोपी ज्यादा समय तक पुलिस से बच नहीं सका। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा और फिर जेल भेजा। जिले के पुलिस कप्तान श्री प्रदीप कुमार शर्मा गंभीर मामलों में लगातार मॉनिटरिंग कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कराने एवं आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य पेश कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयास रहते, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। इधर बोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल 2020 को फरियादियों ने अपने बेटे के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी ने जैसा बताया कि शाम करीब 9 बजे फरियादी की बेटी घर से शौच करने का बोलकर गई थी और वापस नहीं आई। फरियादी ने बताया कि उसकी बेटी नाबालिग है और पूरे 2 दिन तक काफी तलाश करने पर भी पता नहीं चला। मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति भैला फुसला कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर बोड़ा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और उक्त मामले में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच को शुरू किया। बोड़ा थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने तत्काल एक टीम को आरोपी की तलाश हेतु रवाना किया। थाना बोड़ा पुलिस टीम की कड़ी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से आरोपी पकड़ में आया, जिसके कब्जे में 15 वर्षीय बालिका को दस्तयाब किया गया। थाना प्रभारी राजपाल राठौर, उप निरीक्षक रिंकू जाटव, आरक्षक राम नारायण जटिया, आरक्षक सुनील यादव एवं थाने के स्टाफ द्वारा कड़ी मेहनत से जल्द प्रत्यार्थी कर आरोपी सुनील पिता ओम प्रकाश मीणा निवासी सूखा बामोरों का गिरफ्तार करने एवं बेटी को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय राजगढ़ में पेश किया गया और आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रशासन कार्यरत है। 1 मई 2020 को ग्राम ठाकुर बिजा की फरियादिया ने थाना का रिपोर्ट किया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची 29 अप्रैल को घर से शौचालय जाने का कह गई थी, जो वापस नहीं लौटी है। संदेह है कि कोई अज्ञात व्यक्ति भेला फुसला कर भाग कर ले गया है। इस पर से थाना बोड़ा में अपराध क्रमांक 17/19 धारा 363 बाजी के पंजीबद्ध किया गया एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्होंने तत्काल त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर से टीमें रवाना की गई, क्षेत्र में सभी को अलर्ट किया गया। जो हमारे मुखबिर थे उनको हमने जल्द से जल्द पदार्थी हेतु फोन भी किया। इस पर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सूखा बमोरों का रहने वाला सुरेंद्र मीणा, जो पूर्व से संदेही था, उसके साथ में उक्त नाबालिग बच्ची को उसी गाँव क्षेत्र के आसपास देखा गया है। इस पर से टीमें बनाकर रवाना की गई। संदेही सुनील मीणा को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से नाबालिग बच्ची को दस्तयाब किया गया है, जिसमें आरोपी गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारी के पालन में लगातार अच्छी व्यवस्था की जाकर इसमें आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए हमारे द्वारा कार्रवाई जारी है।